तो स्वागत करते हैं मेरे चैनल हैस्ट्री मिस्टर VG80 में। तो देखो, बात करते हैं, देखो इंडिया वर्सेस USA के मैच की, या आधार कार्ड वर्सेस ग्रीन कार्ड की, या बर्गर वर्सेस वड़ा पाव की। मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। तो देखो, इंडिया वर्सेस USA के मैच में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, बताने में मज़ा आएगा और आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। तो इसी बात पे लाइक करें। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं इंडिया की बैटिंग की। तो देखो, इंडिया की बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो विराट कोहली ने अपना एज दिया है और रोहित शर्मा ने भी अपना कैच आउट दिया है। तो जब इन दोनों की विकेट गिरी तो दिल जैसे टूट सा गया था। हमें लगा फिर कौन अब संभालेगा दोबारा ये। तो देखा, याद आया ऋषभ पंत भी हैं, तो ऋषभ पंत भी आते थे, टिके नहीं, 20 बॉल पे 18 रन मारे और चले गए वापस। सूर्य कुमार यादव अभी खड़े थे वहाँ पे और फिर आए शिवम दुबे, उनका साथ दिया खेलने में। तो देखो, सूर्य कुमार यादव को देखो, 2 मैच में तो सूर्य कुमार यादव ने 2 मैच का गुस्सा इस मैच में निकाला है। मुझे लगा ही था इस मैच में चलने वाले हैं और चल के दिखाया है। जिस हिसाब से चले हैं, अगर ये नहीं चले होते तो इंडिया तो कैसे ही जीत जाती। बट नीचे भी थे खेलने वाले प्लेयर, मुझे लगा नहीं वो चलने वाले हैं, पर सूर्य कुमार यादव चल गए हैं, इसी वजह से इंडिया का थोड़ा स्कोर बढ़ा है। तो इंडिया की बॉलिंग में पहले बात कर लेते हैं हम अर्शदीप सिंह की, जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं और पहली 2 विकेट पहले ओवर में आई हैं। जो ये पहले ओवर में जो 2 विकेट आई हैं उसमें पहली बॉल पे पहली विकेट आई है जो LPW लगा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो LPW था नहीं, अगर रिव्यू ले लिया होता बैट्समैन ने तो बच जाते, पर नहीं लिया, आउट हो गए। और लास्ट के 6वें बॉल पे एक और विकेट आई है, अर्शदीप सिंह ने ली है। तो इसी के साथ जो दो टॉप ऑर्डर उड़ाया है अर्शदीप ने, वहीं से हमको पता चल गया था हम गेम जीत जाएंगे। पर फिर भी थोड़ा सा डर तो लगता ही है। उमर सिराज ने एक खतरनाक सा कैच पकड़ा था जो इम्पॉसिबल लग रहा था, पर उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है। चल बस, बुलाएगा क्या? और फिर एक कैच भी छोड़ दिया था। खाओ माँ कसम। चलो, होता रहता है, कैच छूटते रहते हैं, पर कैच किया भी था। और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो पिछले मैच में तो ये संभाल ही लिए थे, बाकी छोटे मोटे मैच में अपने हरदीप सिंह तो संभाल ही लेते हैं। तो बात कर लेते हैं अब अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल की देखे तो देखो, टेलर नाम का बंदा था, अक्षर पटेल को मारा एक छक्का, तो उसकी अगली बॉल पे अक्षर पटेल ने बोल्ड दे मारा। चलो, बात कर लेते हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे का एक ही ओवर करवाया गया, उस ओवर में एक छक्का या एक चौका आया है। लगा नहीं था शिवम दुबे भी करेंगे बॉलिंग, पर उनको भी करनी पड़ी बॉलिंग। देखो इस मैच में अब हुआ क्या था, इस मैच में देखो 35 पे 30 रन थे, तो 5 रन पेनल्टी के मिले थे इंडिया को। USA ने क्या किया था, देखो USA ने 1 मिनट के अंदर अंदर देखो 1 मिनट के अंदर अंदर बॉलिंग करवानी थी। USA को 2 वार्निंग मिल चुकी थी, 2 बार ये कर चुके थे, 1 मिनट के बाद ही अगला ओवर करवाया था। अब तीसरी बार ऐसा हुआ तो अंपायर ने 5 रन दे दिए इंडिया को, जहां 35 पे 30 थे वहां हो गए 30 29। देखो जब 23 पे 23 थे तो सूर्या भाव ने अपने कहा चलो ख़त्म करते हैं, एक चौका मारा और एक छक्का मारा, तो ये स्कोर आ गया 13 पे 22। एक मिनी इंडिया टीम देख लेते हैं। मोनंग पटेल इंडिया के हैं, जसदीप सिंह इंडिया के हैं, हरमीत सिंह इंडिया के हैं और सौरभ नेत्रावलकर ये भी इंडिया के हैं, जिसने 2 विकेट निकाली थी विराट कोहली और रोहित शर्मा की। बहुत खतरनाक विकेट, बहुत बड़ी विकेट निकाली थी। निसार्ग पटेल ये भी इंडिया के, मिलिंद कुमार ये भी इंडिया के। और टोटल देख लेते हैं, अगर USA की टीम को, एक है USA का, दूसरा है USA का और तीसरा भी USA का है, 3 USA के हैं और बाकी एक है ऑस्ट्रेलिया का और एक है कनाडा का और 2 है पाकिस्तान के और एक है साउथ अफ्रीका का। मिनी इंडिया टीम इसे घोषित कर दो, मानो ना मानो, क्योंकि बाकी तो इंडियन ही भरे हैं। माना कि
पाकिस्तान का बाप इंडिया ही है, ऐसा ना करेंगे फिर अब इंडिया के प्लेयर ले जाओगे यूएसए की टीम में, फिर पाकिस्तान को हराओगे और हमारे बेटे को हराओगे। यार ऐसा मत करो यूएसए वालों, गलत यूज कर रहे हो शक्तियों का। तीन या चार टीमें क्वालिफाई हो गई हैं, देख लेते हैं। इंडिया की टीम क्वालिफाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई हुई है, साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई हुई है, और एक और टीम क्वालिफाई हुई है शायद वेस्ट इंडीज़, ये क्वालिफाई हुई है, सुपर एट में क्वालिफाई हुई है। इसमें में आते ही फुटबॉल मैच शुरू कर दिया। देखो लुक्स लाइक दिस फील्स लाइक दिस, सही बात है, ऐसी तो फीलिंग आएगी भाई। चार विकेट निकाली। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हार्ड इक्वेशन सॉल्व करना तो खून में है। क्या बढ़िया था गुरु। बहुत बड़ी विकेट निकाली थी इसने। यूएसए रिसीव्ड 5 पेनल्टी रन्स फॉर स्लो ओवर रेट। जय शाह अराइव टू रेस्क्यू टीम इंडिया। जय शाह भाई, स्क्रिप्ट तो बड़ी मस्त लिख रहे हो। बुआमा भाई यूएसए में क्या कर रहे है, अंपायर भी पूछ रहा है भाई। अब इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, और वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अब अगले मैच में अगली वीडियो लाएंगे। बाय बाय।